और दोस्तों, क्या आपके भी प्ले स्टोर पर ऐप इंस्टॉल करते हुए डाउनलोड पेंडिंग बता रहा है, या आप जानना चाहते हैं कि हम डाउनलोड प्ले स्टोर पर डाउनलोड पेंडिंग या आप जानना चाहते हैं कि हम प्ले स्टोर पर डाउनलोड पेंडिंग जो बता रहा है उसको कैसे सॉल्व करें, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेते। आपके प्ले स्टोर पर जो है इस तरह का पेंडिंग बता रहा होगा, इस तरह से गोल गोल घूम रहा होगा। तो इसको हम कैसे ठीक करें, इसको ठीक करने के लिए जो है कुछ प्ले स्टोर पर ट्रिक है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक आ जाते हैं। बैक आने तो यहाँ पर हम बैक आ गए हैं। इसके बाद जो यहाँ पर आपको लोगो वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मैनेज ऐप एंड डिवाइस, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक कर रहेंगे यहाँ पर आएगा अपडेटिंग ऐप, मतलब जो आएगा यहाँ पर हमें इस पर चले जाना है। तो इसके बाद जो यहाँ पर आपके जितने भी ऐप इंस्टॉल कर मतलब इंस्टॉल हो रहेंगे यहाँ पर आपको शो होगा। जब आप यहाँ, क्योंकि प्ले स्टोर में एक बार में जो है एक ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद जो है दूसरा ऐप यहाँ पर इंस्टॉल होगा। अगर आपका इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ से जो है आपका डाउनलोड पेंडिंग सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो हमें फिर जो है और आपको हम बताते हैं। बाद आपका अब भी ऐप जो है डाउनलोड पेंडिंग बता रहा है तो सिंपली हमें क्या कर देना है, इस लोगो वाले ऑप्शन पर जो दिख रहा है इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से हमें सेटिंग चले जाना है। सेटिंग जाने के बाद हमें यहाँ पर जो है नेटवर्क एंड प्रोक्सी इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑटो अपडेट ऐप, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दिखाई यहाँ पर आपको मैं आएगा ओवर एनी नेटवर्क या ओवर वाईफाई, यानी ये जो है अपने आप जो है ये अपडेट होता रहेगा। तो हमें यहाँ पर डो नॉट ऑटो अपडेट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से जो है हमारा जो डाउनलोड पेंडिंग ठीक हो जाएगा। अगर अब भी नहीं आपका ठीक हो रहा है तो हम आपको सेटिंग में बताएंगे। तो चलिए हम अपना सेटिंग ओपन करते हैं। सेटिंग ओपन कर लिए हैं तो हमें सेटिंग में हम सेटिंग कर लेंगे, वहाँ से जो हमारा डाउनलोड पेंडिंग सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐप मैनेजमेंट, इस वाले ऑप्शन पर हमें चले जाना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक, यहाँ से सभी जो हमने वहाँ पर प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल किया है यहाँ पर शो कर रहा है। सिंपली हमें यहाँ पर क्या कर देना है, शो सिस्टम प्रोसेस, जो सेकंड नंबर प्रोसेस है आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है राइट हैंड साइड, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमें सिंपली स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आना है। तो आपको यहाँ पर जो है गूगल प्ले स्टोर जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये हमारा जो है इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमको जो है फोर्स स्टॉप कर लेना है। तो जैसे ही हम इस पर फोर्स स्टॉप कर देंगे तो यहाँ से जो है हमारा डाउनलोड जो पेंडिंग बता रहा है वहाँ से डाउनलोड पेंडिंग नहीं बताएगा। अगर आप अभी आपका नहीं ठीक हो रहा है तो हमें यहाँ पर स्टोरेज यूजेस जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लियर जो दिखाई दे रहा है क्लियर ताज, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ से भी आपका नहीं ठीक होता है तो आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है क्लियर डाटा, इस वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ही आपका जो है आपके जो प्ले स्टोर पर आईडी लगी है, ईमेल आईडी लगी है, वो सब जो है हट जाएगी। यहाँ से आपका जो है 100% जो है ठीक हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर अभी नहीं आपका हो रहा है तो हमें कमेंट में आपसे बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिए व्हाट्सएप पर एंड लाइक करिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो